मैंने मैंने मजनूगिरी बहुत करी है. पीछे से आवाज आ रही है कुछ. हेलो. अभी पिछले साल तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद. I'll go next. और आज की शाम बिल्कुल आप लोगों के नाम रही. इतने फैंस लोगों का प्यार मिला है आप लोगों को. जी यहाँ पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद. और कहते हैं ना कि रब्बा सब कुछ जानता है, लेकिन सिद्धार्थ से ये मेरा सवाल है कि सिद्धार्थ भी सब कुछ जानता है कि उसका अगला कौन सा ऐसा मिशन है जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है. जो ये सुनना चाहते हैं ना. देखिए अब अभी सिर्फ मिशन मजनू है. अब मजनू के जिंदगी में आगे क्या होता है वो आपको देखना ही पड़ेगा अगले साल. ऐसा मजनू कैसा जो इजहार कर दे और फिर बाद में हो. सीधा करेंगे यार हम. हाय 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 हाय. वन क्वेश्चन. कभी ऑनेस्ट जो इन्होंने सुना और भी लोग हैं कतार में. ऑन स्क्रीन कभी आपको ऑफर मिले, चॉइस मिले तीन चार हीरोइन का कि मजनू आप ऑन स्क्रीन किसके लिए बनना चाहेंगे, तो आप चूज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है. मैं तो कितने सारे मैं इतना चूज ही नहीं हूँ ऑन स्क्रीन. मैंने मैंने मजनू की री बहुत करी है. पीछे से आवाज आ रही है कुछ. हेलो. अभी पिछले साल तो सबसे पहले तो शिकायत है कि जब से ये सॉन्ग देखा अच्छे नहीं लग रहे, दूर दूर खड़े खड़े. आप लोग साथ में आ जाइए. ये लीजिए आ गए हम. आप ही बनेंगे काजी. मजा आ रहा है. राहरा सवाल आप दोनों से ये था कि मजनू का मिशन तो शुरू हो चुका है. पहले टीजर आया, अभी सॉन्ग आया, फिर ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा. लेकिन रियल लाइफ की बात करूं तो आप दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कभी अगर किसी चीज के लिए मजनू बनने की जरूरत पड़े तो क्या ऐसा लाइफ में कोई मिशन है आप लोगों का जिसमें के लिए मजनू बनेंगे? मजनू मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं होता, किसी भी काम में मजनू बन सकते हैं आप. तो आपके अपने अपने मिशन कोई ऐसा जिसके लिए मजनू बनने चाहेंगे आप कभी लाइफ में? यार मेरे लिए चाहे इवन ये हमारी पिक्चर हो, पहले ये किरदार या हम सब जो इस कहानी को बना रहे हैं, पहले हम देश के लिए मजनू हैं इस पिक्चर में, कि अपने देश के लिए हम चाहते हैं. ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, ये जो हम जो द फ्रीडम दैट वी आर एंजॉयिंग, कि हम यहाँ पे घुल मिलकर ये चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू द कंट्री वी लिव इन, द डेमोक्रेसी वी हैव, एंड जो सारे लोग इसको ऐसे सुरक्षित रखने में काम करते हैं दिन रात, सारे फोर्सेज हो, आर्म फोर्सेज हो, या तो जो एजेंसी जिसके लिए मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, रॉ एजेंसी हो. तो पहले मैं कहूँगा कि हम देश के मजनू हैं. और मैं भी एक मेरे दादू इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं वो, एंड तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. एंड जो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हमने दर्शाई शेरशाह में पिछले साल, उधर से भी हम दिखाना चाहते हैं कि लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए. तो आई थिंक वो मजनूगिरी हर एक इंडियन में होनी चाहिए. मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ. और इस पिक्चर में भी आपको वो जुनून दिखेगा, वो मजनूगिरी पहले दिखेगी, फिर मोहतरमा जी आती हैं उसके बाद. तो आई थिंक देश पहले. और मैं ये किरदार के लिए भी कहना चाहूँगा कि देश पहले और फिर रश्मिका जी इस मजनू को पागल करती हैं. रश्मिका आप आंसर दीजिए, आप रियल लाइफ में किस चीज़ के लिए मजनू बनना चाहेंगे कभी मौका मिला तो? सो ऑलरेडी सिड ने आंसर किया, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड दैट आई फील एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लव वी गेट फ्रॉम द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड इन फैक्ट. तो आई थिंक या फॉर द लव वी गेट आई वॉन्ट टू बी लाइक मजनू टू ऑल माई फैंस. सिद्धार्थ कभी सिद्धार्थ सिद्धार्थ